नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन को लेकर सुनवाई खत्म हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन की जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी वो खत्म हो चुकी है। और सुनवाई खत्म होते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, सुदेश गोयत जी लाइव आई हैं। मैं आपको पूरी वीडियो बताऊंगा, वो पूरी की पूरी अपडेट आपको बताएंगी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जय जवान जय किसान। आज हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो कल सुनवाई शुरू हुई थी, आज भी जारी थी। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट में हैं। एक इस कैमरे से खींच लो। नहीं नहीं, मैं तो लाइव आई हूँ। नहीं, वो कैमरे पहले फोटो करवा लो ना। नहीं नहीं, इसमें लाइव आ रही हूँ ना, बीच में कैसे काट लो। अच्छा ठीक। जय जवान जय किसान। सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी कल सुनवाई थी वो आज भी जारी थी, और अभी हमारे बीच में है ग्रुप कैप्टन गांधी। मैं आपकी बात कराती हूँ ग्रुप कैप्टन गांधी से। आज हाँ जी, गुरु कैप्टन गांधी, आज की जो अंदर हेयरिंग में क्या क्या हुआ आप सारे मेरे फौजी भाइयों को मेरा नमस्कार। आज की हेयरिंग के अंदर हमारा केस पहले नंबर पे लगा हुआ था, कल भी हमारा पहले नंबर पे था। कल हमारे वकील ने 4 घंटे अपना पक्ष रखा और कोर्ट को ये समझाया कि वन रैंक वन पेंशन का मतलब क्या है, और जो सरकार ने दी है वो वन रैंक वन पेंशन नहीं है, और ये वन रैंक वन पेंशन का एक तरह से उसकी आत्मा को ख़त्म करने की बात है। उन्होंने कोर्ट को सारे डॉक्यूमेंट एक एक लाइन करके पढ़ाए और हर डॉक्यूमेंट की इम्पोर्टेंस बताई, और उन्होंने उसके हर डॉक्यूमेंट के अंदर जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उनको स्पेशली कोर्ट के जज साहब को लिखवाया। जज साहब ने बड़े सवाल किए और उन सब सवालों का एक बहुत अच्छा सा उत्तर दिया गया और जज को समझाया गया, उनके सारे डाउट रिमूव किए गए। आज सरकारी वकील की बारी थी, सरकारी वकील ने अपनी तरफ से पक्ष रखा और उन्होंने हर तरह के रीजन दिए कि ये वन रैंक वन पेंशन है, पर हमने इसके अंदर जो कट ऑफ डेट लगाई है वो हमारी मजबूरी है। इसके अंदर जो हमने 5 साल की इक्वलाइजेशन की डेट लगाई है वो भी हमारी मजबूरी है, क्योंकि सिविलियन को 10 साल की मिलती है, हम फौजियों को 5 साल की दे रहे हैं। जबकि कल हम बता चुके थे कि 5 साल की इक्वलाइजेशन करने के ऊपर भी फौजियों को बहुत बहुत नुकसान होने वाला है, जिससे एक तो हमको 1.5 साल का इंक्रीमेंट का नुकसान अभी कर दिया, जब 2019 का जो इक्वलाइजेशन होना था जो अभी तक नहीं हुआ है उसमें भी हमको 2017 पे रखा जाएगा। हमने ये पेपर भी कोर्ट को जमा किया था। तो सरकारी वकील ने आज ये सारी बातें समझाई जिसमें तथ्य कोई ज़्यादा नहीं थे। हमने जो अपने पेपर सबमिट किए थे उसमें हमने 2 सैनिकों की 2 सिपॉयज की पेंशन इक्वेट किया था, और उसमें ये बताया था कि उनकी पेंशन में 2,190 रुपये का फर्क है। हमने ये भी बताया था कि एक जो 2014 के बाद एक सिपाही रिटायर हो रहा है उसकी एक पुराने नायक से पेंशन ज़्यादा है, जो किसी भी हालत में एक्सेप्टेबल नहीं है। इन सब चीज़ों का जवाब सरकारी वकील ने ये दिया कि हम जिस सिपाही को कंपेयर कर रहे हैं, जिसके पीपीओ को कंपेयर कर रहे हैं, उसको MACP मिला हुआ है, जबकि पहले वालों को MACP नहीं मिला, इस कारण ये फर्क आ रहा है। जज साहब ने इसके ऊपर सरकारी वकील से 3 सवाल करे। पहली बात तो MACP कब से लागू है, दूसरी बात MACP की कंडीशंस क्या है, और तीसरी बात MACP के ऊपर सरकार का खर्चा कितना। उनका साफ साफ कहने का मतलब यह था, अगर खर्चा 1,000-2,000 करोड़ के बीच में है तो कोई फर्क नहीं, अगर 10 से 15 हजार करोड़ के बीच में आता है तो उनको सोचना पड़ेगा कि कब दिया जाए, कैसे दिया जाए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जज साहब ने सरकारी वकील को बोला है कि 1 हफ्ते के अंदर सबमिट करने के लिए। उन्होंने अगले बुधवार तक का टाइम लिया है, वो डॉक्यूमेंट हमको मंगलवार शाम को मिलेंगे,
हम उनको स्टडी करेंगे, उसके बाद अगले बुधवार को हमारा केस नंबर वन पे रखा जाएगा। सब मेरा नमस्कार, ठीक है, थैंक यू ग्रुप कैप्टन गांधी। बिल्कुल ये क्लियर समझा दिया मैंने आप लोगों को, सबको पता ही है। जय जवान जय किसान जय हिंद। कल भी आएगी सर? नहीं कल किसी का, कल मैं निकला तो मिले, मैं कल निकला शाम को 4:30।